हाय, दिस इज मनीषा सिंह। फ्रेंड्स, मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था मनीषा सिंह जॉब अपडेट, वो चैनल कल रात को अचानक डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से परमानेंटली। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट, पर आज से हम इस न्यू यूट्यूब चैनल पे जॉब अपडेट की वीडियोस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डिफेंस स्टाफ सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कम्प्लीट डिटेल वीडियो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में ऑफलाइन रिक्रूटमेंट आई है, मतलब कि ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपका 44 टोटल सीट्स पे, टोटल सीट्स आपका 44 रखा गया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 2 सितंबर से ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। 23 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट है, मतलब कि स्टार्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, ऑफलाइन अप्लाई होगा तो आपको पोस्ट के मीडियम से इसको आपको भेजना होगा। अप्लाई मोड रहेगा आपका ऑफलाइन, नॉर्मल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फॉर्म की फी की बात करें तो कोई सा भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। एज लिमिट अगर देखेंगे कि कब से कैलकुलेट होगा, तो एज ऑन 23 सितंबर 2023 कैलकुलेट किया जाएगा। रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 ईयर्स का, एससी एसटी को 5 ईयर्स का। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पोस्ट नेम, एज एंड सैलरी हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट आपका जो पोस्ट है एमटीएस का, उसके लिए आपको 18 to 25 ईयर्स एज का लिमिट रखा गया। लेवल 1 का सैलरी मिलता है 18,000 to 56,900 rupees। टेक्निकल अटेंडेंट के लिए भी सेम 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट है, सैलरी 18,000 to 56,900 rupees पर मंथ का रहता है। सेकेंडरी आप देखो तो सुखनी, कुक, फायरमैन, सिविलियन, मोटर ड्राइवर, ओजी एंड एलडीसी, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सब के लिए आपका 18 to 27 ईयर्स, मतलब मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट रखा गया है। लेवल 2 का इन सब पोस्ट के लिए सैलरी मिलेगा आपको 19,900 rupees पर मंथ से लेके 63,200 rupees पर मंथ की सैलरी रखी जाती है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम है 18 to 27 ईयर्स। लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 rupees to 81,000 पर मंथ की सैलरी आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो क्वालिफिकेशन ना पोस्ट वाइज वैरी करता है। 10th, 12th एंड इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए आपका ये है। आप नोटिफिकेशन में क्लियरली क्वालिफिकेशन को देख के पोस्ट वाइज आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। एमटीएस के लिए सिंपली 10th पास आउट होना चाहिए, स्टेनो के लिए 12th पास के साथ स्किल टेस्ट जो होता है उसके लिए आपको टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड आना चाहिए, एलडीसी के लिए 12th पास, तो सबका ना एक प्रॉपर दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो आप वहाँ देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो मेजर 2 स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद होता है आपका फिजिकल एंड स्किल टेस्ट, मतलब कि जिन पोस्ट के लिए फिजिकल है तो उसके लिए फिजिकल लिया जाएगा, और स्टेनोग्राफर की पोस्ट जैसे तो उसके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, फायरमैन वगैरह के लिए फिजिकल होगा। तो आइए एग्जाम की पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में कोई पैटर्न अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्लियर नहीं किया गया, बट आपका पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। सब्जेक्ट मैं बता देती हूँ आपको, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड रिलेटेड आपका रहेगा। तो अगर किसी ट्रेड वाइज आपका है तो ट्रेड से पूछेगा, और अगर सिंपली एमटीएस वगैरह का दोगे रीजनिंग, मैथ, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछने वाला है। रही बात जॉब की लोकेशन की फ्रेंड्स, तो आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है वेलिंगटन में, तमिलनाडु के अंदर इसका वैकेंसी आया है। तो आपका जॉब लोकेशन तमिलनाडु में रहने वाला है। आइए इसके रिगार्डिंग मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना है। 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, डोमिसाइल यानी कि आपका आवासीय चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस का होना एकदम कंपलसरी है। एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास कोई सा एक्सपीरियंस है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी भेज सकते हो।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब पर ना सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको डाक करना है। 22 रुपए का जो डाक टिकट आता है वो लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्म आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, वहाँ पे मैं ना इसका नोटिफिकेशन साथ ही साथ उसमें आपको फॉर्म भी डाल के पोस्ट कर दूंगी। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, सारा कुछ उस पर दिया रहता है। आप अच्छे से फॉर्म भर के और तमिलनाडु में आपको ये पोस्ट करना है, और स्पीड पोस्ट मत करना फ्रेंड्स, नॉर्मल डाक से भेजोगे तभी वहाँ पर रिसीव हो पाएगा। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं डिफेंस स्टाफ सर्विसेज की रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो फ्रेंड्स। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लो। और फ्रेंड्स, पता नहीं किस रीजन से मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करो, ताकि मैं फिर से, जो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर से स्टार्ट न्यू करी हूँ, तो मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाए, वीडियोज मेरी रन करे, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कर दो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और फ्रेंड्स, मिलूंगी फिर से किसी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।